Hi guys, this is Priyanka Rathi and you are watching Creative Kona. So guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. So today we're gonna learn how to do watercolors in different skin tones. कि अगर किसी की डस्ट की स्किन है तो उसमें कैसे हम वो कलर बनाएंगे और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, देन फेयर स्किन है तो उस पर हम कैसे कलर बनाएंगे और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ऐसे ही डार्क स्किन पे भी. तो हम तीनों स्किन टोन्स पे आज हम सीखेंगे कि उस पर कैसे वाटर कलर क्रिएट करना है, कैसा स्किन टोन क्रिएट करना है, देन उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फेस पे कलर भी करना है. तो ये तीनों स्किन टोन्स में मैं आज आपको वाटर कलर सिखाऊंगी. सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ड्राइंग पहले से ही करके रख ली थी जिसमें मैंने 3 गर्ल्स बनाई हैं तीनों स्किन टोन्स के लिए, फेयर, मीडियम एंड डार्क स्किन टोन. तो इनका कलर आप बना रहे हैं हम, जिसमें मैंने रेड एंड येलो मिक्स किया है फेयर स्किन बनाने के लिए. तो इनके नेम मैं दोनों मेंशन कर दूंगी जिससे कि आप अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बोलने से स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है. तो अगर मैं उस पर मेंशन कर दूंगी तो आप एकदम एक्यूरेट कलर फाइंड कर पाएंगे. तो अभी ये स्किन टोन हम अप्लाई करेंगे जिसमें हम आइज़ और लिप्स छोड़ देंगे, बाकी सब पे हम उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और हेयर का एरिया छोड़ देंगे. तो ये देखिए मेंशन कर दिया है मैंने. अब हम बनाएंगे सेकंड टोन. तो सेकंड टोन बनाने के लिए मैं इसमें येलो और ऑरेंज कलर मिक्स करने वाली हूँ, जिसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर भी मिक्स करेंगे, जिसको येलो गोल्ड डीप कहते हैं, आई थिंक ये कलर का नाम है. तो ये कलर मिक्स करके फिर सेकंड टोन अप्लाई करेंगे. और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम कलर कर रहे हैं ना तो ब्रश का ध्यान रखना है कि बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रश और छोटे एरिया में कलर करने के लिए छोटा ब्रश. जितने छोटी जगह पे हमको कलर करना है उतना ही ब्रश हमको लेना है. तो ये देखिए मैं आईज़ के ऊपर, क्योंकि आईज़ थोड़ा सा सॉकेट के अंदर होती है आईज़ दोनों, तो हम उसको ऊपर जो होता है ना वो एरिया थोड़ा डार्क होता है तो वहाँ पे हम करेंगे. जैसे एक साइड पे हमने माना कि एक साइड पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो उस साइड हम पूरा सेकंड टोन लगाएंगे अच्छे से. आईज़ के नीचे लगाएंगे, नोज़ के नीचे लगाएंगे और नोज़ के दोनों साइड का एरिया जिससे वो थोड़ा सा उठी हुई लगे नोज़, वहाँ पे लगाएंगे. और जो उसका नोज़ पॉइंट होता है बॉटम पे, वहाँ पे भी हम स्किन कलर लगाएंगे. तो देखिए अब ये मैंने अप्लाई कर दिया है सारे. ब्रश को वॉश करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ जिससे कि वो एकदम ऐसे पैच जैसा दिखाई ना दे, दैट्स वाई. तो ये देखिए हमारी सेकंड टोन लग गई है. आप भी ट्राई करते रहिए, ट्राई करेंगे तो ही आप एक अच्छे वाटर कलर करना स्टार्ट कर पाएंगे. तो आपको प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा. जो फेयर स्किन होती है ना तो उसमें थोड़ा सा पिंकिश टच होता है, तो वो मैं देने के लिए मैंने ये पिंक कलर यूज़ किया है जो कि चेक्स पे दिया है इस गर्ल के. यही कलर सेम मैं लिप्स पे भी अप्लाई करूँगी और मैंने ये अब थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद उस पर और थोड़ा सा पिंक कलर अप्लाई किया है. देन अब हम लिप्स में कलर करेंगे. तो लिप्स में कलर करने के लिए मैंने फर्स्ट टोन लगाया है ये लिप्स में. देन अब हम थर्ड टोन लगाएंगे. तो थर्ड टोन लगाने के लिए मैंने सेम कलर लिया है ब्राउन, देन उसमें रेड मिक्स करेंगे और येलो मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम थर्ड टोन लगाना शुरू करेंगे. तो आपको भी जैसे ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप फुल वीडियो पहले देखिएगा और देखने के बाद फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा. तो देखिए मैंने भी ब्रश चेंज किया है. जैसे पहले ब्रश था वो थोड़ा बड़ा था, मैंने और उससे थोड़ा पतला लिया है जिससे कि मैं डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छे से दे सकूँ और बहुत फाइन रिजल्ट आए हमारा, दैट इज़ वाई. अब देखिए मैंने ये थर्ड टोन जो है जो नोज़ की नोज़ स्ट्रिल्स हैं उसमें मैंने अप्लाई किया है और नोज़ के थोड़े कॉर्नर्स पे हल्का हल्का अप्लाई किया जिससे वो थोड़े कॉर्नर्स हाईलाइट हो जाएं और आईज़ के लोअर साइड पे अप्लाई किया है.
तो देखिए अभी रियल लगने लग गया है। अभी हम आईब्रोज बनाएंगे, तो आईब्रोज बनाने के लिए मैंने ओनली ब्राउन कलर ही यूज़ किया है, क्योंकि फेयर स्किन है तो उसके साथ बहुत अच्छे से जाएगा, उसके साथ बहुत सही लगेगा वो। थर्ड टोन बनाने के बाद अब ये हम लिप्स, जैसे लिप्स के नीचे जो चिन वाला एरिया होता है वहाँ पे हमने अप्लाई किया है, लिप्स के कॉर्नर्स पे अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा डार्कनेस होता ही है, तो वो चीज़ अगर हम बनाएंगे तो बिना किसी रेफरेंस के भी हम ड्राइंग और कलरिंग इजीली कर सकते हैं, अगर वो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर आप एक्रेलिक कलर या पेंसिल कलर या जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो उसमें विदाउट रेफरेंस अगर आप ड्राइंग कर रहे हो या कलर कर रहे हो, तो अगर ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली अपने आप कलर कर सकते हो। तो देखिए अब जैसे लिप्स है, लिप्स का अपर एरिया डार्क होता है, तो उसमें मैंने देखिए थोड़ा डार्क कर दिया है जिससे कि लिप्स हमारे रियल लगें। और उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर लिप्स के कॉर्नर्स पे और ऊपर नीचे वाली लाइन पे, जिससे कि वो थोड़े ऐसे कर्वी लगे। तो इसलिए फेयर स्किन वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी आईज़ का कलर थोड़ा लाइट होता है, तो मैं इसमें ब्लू कलर कर रही हूँ, एक्वा ब्लू वाला कलर, तो थोड़ा उसमें मैंने ये ब्लू कलर अप्लाई किया है। इस कलर का नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी। और देखिए इसमें थोड़ा सा अभी मैंने जो ग्रे है, आई थिंक ये कलर, ये ग्रे कलर का आई के बीच में हम ब्लैक कलर का एक स्पॉट बना देंगे। देन सेम कलर से हम आईलाइनर, जहाँ पे आईलिड होती है उसको एक लाइन देंगे, जिससे कि वो थोड़ी रियल लगे और अच्छी लगे। तो ये देखिए अभी यही सेम कलर मैं फिर आईब्रोज में भी अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे हेयर में भी होता है कलर कर रहे हैं तो उसमें भी हम सेम ही टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं हेयर नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई। देखिए हम ईयर में कलर करना भूल गए थे, तो अभी ईयर में मैं कलर कर रही हूँ। तो ईयर में वही थर्ड टोन हम अप्लाई करेंगे, और ईयर का डिज़ाइन जैसा होता है उसके हिसाब से अप एंड डाउन जहाँ जहाँ पे होते हैं तो वैसे ही हम उसमें कलर करेंगे। जहाँ पे डार्क दिख रहा होगा वहाँ पे डार्क कलर, जहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी उठी हुई है वहाँ पे उसको लाइट रहने देंगे। तो देखिए ईयर बन गए हैं, अब सेकेंड गर्ल बना रहे हैं। तो सेकंड गर्ल में बनाने के लिए मैंने अभी ये सेकंड टोन अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट टोन मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, बिकॉज फ्लैट कलर करना है उसमें और कुछ करना नहीं है। कलर मेंशन मैं कर दूंगी, और कलर में जो हमने फर्स्ट टोन में लगाया है वो कलर है जो हमने फर्स्ट गर्ल का सेकंड टोन लगाया था, सेम कलर मैंने यहाँ पे इस गर्ल के फर्स्ट टोन में वो कलर लगाया है। तो देखिए अभी ये सेकंड टोन लगाने के लिए मैंने सेम कलर बनाया है, और बनाने के बाद मैंने इसमें जहाँ जहाँ पे आईज़ के जैसे सॉकेट होता है वहाँ पे मैंने डार्क कलर किया है, और मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है हमारी राइट हैंड साइड से आ रही है, तो वो मान के मैंने ये कलर किया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा डार्क रखा है और राइट हैंड साइड थोड़ा लाइट रखा है, और जैसे चीक्स वाला पार्ट है वो छोड़ के हमने नीचे नीचे कलर किया है वेट ब्रश से, उसके बाद हम उसको मर्ज कर देंगे। तो देखिए अभी ये करने के बाद एकदम से कैसे फीचर्स एकदम निकल कर आने लग गए हैं धीरे धीरे, और एकदम लगने लग गया है कि नोज़ उठी हुई है और फीचर्स कैसे बने हुए हैं, ये आईज़ थोड़ी गहराई में है, चीक्स उठे हुए हैं, तो वो सब भी दिख रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई थर्ड टोन। तो थर्ड टोन में थोड़ा सा डिटेलिंग्स ऐड करना शुरू करते हैं हम। तो जैसे कि अभी नोज स्ट्रेस में हमने इसमें कलर फिल किया है, देन नोज के दोनों जो नोस्ट्रल्स के दोनों साइड के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे मैंने लाइट एक लाइन दी है, और आई लिड होती है वहाँ पे उसको और अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा डार्क लाइन दिया है उसके ऊपर, तो और उसको अब मैं मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करने से वो एक वाटर से क्या है, आप छोड़ देते तो एक स्पॉट आ जाता है।
कहीं कहीं पे अच्छा लगता है, कहीं कहीं पे उसको मर्ज कर देना चाहिए। जैसे नेक है तो नेक पे साइड पे हम थोड़ा थर्ड टोन लगा रहे हैं जिससे कि वो थोड़ी डार्क लगे उधर से। तो देखिए ये थर्ड टोन लगा दिया है, अब आईब्रोज बना रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे सेकंड गर्ल के लिप्स। तो लिप्स बनाने के लिए हम सेम टेक्निक यूज करने वाले जो फर्स्ट गर्ल में किया था, सेम कलर भी अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला लिप जो रहेगा अपर लिप, वो अब हम उसको थोड़ा डार्क रखेंगे और नीचे वाले लिप को लाइट रखेंगे, और कॉर्नर से और लिप्स के ऊपर नीचे जो लाइन होती है मतलब, तो वहाँ पे हम थोड़ा उसको डार्क रखेंगे जिससे कि वो लिप्स रियल लगे। अभी हम आईज बना रहे हैं, तो ब्राउन गर्ल की आईज ब्राउन ही बनाई है मैंने, तो ब्राउन कलर कर दिया आईज में। अभी देखिए सेकंड टोन लगा रही हूँ लिप्स में भी, तो ऊपर वाला कलर हमने रख दिया है डार्क। अब नीचे वाले लाइनर में थोड़ा सा लाइट लगाएंगे और लिप्स के ऊपर अपर एंड बॉटम वाली साइड पे लाइनिंग देंगे, एंड देन उस पर छोटे छोटे रिंकल्स जैसे लिप्स में होते हैं वैसे रिंकल्स देंगे। अब हम बना रहे हैं थर्ड गर्ल जिसके स्किन टोन हमें एकदम डार्क रखना है, तो हम सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। जो सेकंड गर्ल थी उसका सेकंड टोन जो था वो हम इस थर्ड गर्ल के फर्स्ट टोन में अप्लाई करेंगे। सेम कलर बनाएंगे और कलर के नेम मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी, वैसे कलर सेम ही है, बस क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है, बस वही है। तो वो देखिए अभी फर्स्ट टोन में लगा रही हूँ, तो फर्स्ट टोन लगाने के आईज और नोज वाला एरिया छोड़ के लगाना है, ये मैंने लगा दिया है। और इसके बाद अब सेकंड टोन अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड टोन अप्लाई करने के लिए उसमें अब हमको थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स करना पड़ेगा ब्राउन कलर में। तो ग्रे कलर बनाने के बाद अब नोस्ट्रिल्स में मैंने कलर किया है, नोज़ के दोनों कॉर्नर्स पे कलर किया है और थोड़ा साइड वाले दोनों साइड पे कलर किया है। तो आईब्रोज पे भी सेम ही कलर मैं अप्लाई करूँगी, और सॉकेट जो है आईज के वहाँ पे भी मैंने कलर अप्लाई किया है, वही सेम फॉर्मूला है कलर अप्लाई करने का। तो और देखिए ये अब आईज वाले आईज के नीचे और जहाँ पे लिप्स और नोज़ के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे कलर अप्लाई किया है मैंने। तो देखिए ये अभी हम कंप्लीट हो रही है हमारी थर्ड गर्ल। तो देखिए ये अप्लाई करने वाला सेकंड टोन, अब हम थोड़ी डिटेलिंग ऐड करेंगे जिसके लिए मैंने डायरेक्ट ब्राउन कलर लिया है जिसमें बहुत लाइट सा रेड है, देन उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर भी लगाया है डाला है जिससे कि हम डार्क जो फीचर्स हैं उनको और थोड़ा डार्क दिखाया जा सके। जैसे आईब्रोज हुई, ऐसे ही आईज बनाएंगे तो उसके लेंस वगैरह बनाने के लिए भी सेम ही कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन आईज में भी मैंने ब्राउन कलर किया है, अब ग्रे कलर से मैं आईब्रोज पे और डिटेलिंग ऐड करी क्योंकि वो फेस के हिसाब से बहुत लाइट लग रही थी, तो इसलिए मैंने। और ये देखिए आई का जो बीच में एक स्पॉट बनाया है और लेंस में डिटेलिंग दी है। तो डिटेल देने के बाद ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और फीचर्स देखिए धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये क्रिएट करने के बाद अब बनाएंगे लिप्स। तो लिप्स में मैंने इस बार सेम कलर नहीं लिया है, मैंने मैजेंटा लिया है क्योंकि फेस का कलर के हिसाब से लिप्स के कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसलिए मैंने मैजेंटा कलर फर्स्ट टोन में अप्लाई किया है। तो फर्स्ट टोन में अप्लाई करने के बाद नीचे भी मैं सेम कलर अप्लाई कर दूँगी, फिर उसमें हम डिटेल्स देना शुरू करेंगे लिप्स में। तो मैजेंटा को थोड़ा और डार्क कलर लगाएंगे और लिप्स बना देंगे। तो अभी आईज़ में थोड़ा वो शाइन एक वाइट कलर की हमेशा दिखती है, तो मैं वाइट पेन से कर रही हूँ क्योंकि आईज़ छोटी, लेंस बहुत छोटे थे तो उसमें इतना छोटा सा एरिया छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया है वाइट कलर। देखिए तीनों कल ही बन गई हैं, वैसे मैं सोचा था इनके हेयर भी बनाऊंगी बट बहुत टाइम लग जाता उसमें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो देखिए ये तीनों गर्ल्स हो गई हैं कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
तो वो मुझे ज़रूर बताना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करना। एंड गाइज, अगर फेस की ड्राइंग आपको देखनी है तो उसकी वीडियोज़ भी मैंने शेयर करी हैं, आइज़, नोज़, फीचर्स, फेस कैसे बनाना है। एंड प्रैक्टिस करते रहिए। एंड टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।